बिहार से झारखंड के रास्ते हावड़ा के लिए एक नई ट्रेन का संचालन 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इस वीडियो अपडेट के माध्यम से हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बिहार से झारखंड के रास्ते बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन के लिए एक नई सुपरफास्ट हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन बिहार के गया रेलवे स्टेशन से झारखंड के रास्ते हावड़ा के लिए चलेगी। इस रूट पर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जानी है, जिसको लेकर गया से इस ट्रेन का संचालन को हरी झंडी दिया जाएगा। हालांकि पीएम के द्वारा इस ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन यानी कि वर्चुअली उद्घाटन किया जाना है। आगामी 15 सितंबर को इस ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। हालांकि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसे भी कंप्लीट करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उद्घाटन के तैयारी के तहत गया जंक्शन के यात्रियों को इस ट्रेन का सौगात मिलेगा। यह ट्रेन 2:25 पर हावड़ा के लिए चलेगी और रात 8:50 पर हावड़ा पहुंचेगी। इसी तरह से यह ट्रेन हावड़ा से सुबह 6:50 पर चलेगी और दोपहर 1:20 पर गया जंक्शन आएगी। तो ऐसे में चलिए बात करते हैं हावड़ा से गया के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज क्या होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह ट्रेन झारखंड होकर चलेगी। ऐसे में यह ट्रेन कई बड़े रेलवे स्टेशन रुकते हुए चलेगी, जिसमें कि यह ट्रेन कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद, प्रधान घंटा, आसनसोल, दुर्गापुर और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दोनों ही दिशाओं में रुकेगी। इस ट्रेन का जर्नी टाइम 6:30 रहेगा। ऐसे में आने वाले नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।